वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन। तो हमारा जो ये कोर्स है ये एडवांस लेवल के लिए है, तो इसलिए इसमें जो डिफिनेशन वगैरह है वो भी थोड़ी सी एडवांस होगी। तो एस्टिमेशन द प्रोसेस ऑफ अप्रॉक्सीमेटिंग थीटा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल सैंपल। एस्टिमेशन क्या है? ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम थीटा को एक अप्रॉक्सीमेट करते हैं, यानी उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल सैंपल होता है उसके बेस पे। तो यहाँ पे क्या है, द प्रॉब्लम इज दैट वी आर गिवन अ रेंडम सैंपल डिनोटेड बाई ए फ्रॉम अ पॉपुलेशन विच हैज अ नोन मैथमेटिकल फॉर्म बट इन्वॉल्व्स अननोन पैरामीटर्स। जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमें एक रेंडम सैंपल, मतलब हमारे पास एक रेंडम सैंपल होता है जो हम इससे डिनोट करते हैं फ्रॉम अ पॉपुलेशन। तो एक पॉपुलेशन से हम रेंडम सैंपल ले लेते हैं, तो उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म होता है, जिस तरह उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या वगैरह या कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ जिसे कहते हैं वो होता है, बट इन्वॉल्व्स अननोन पैरामीटर्स। लेकिन उसमें क्या होता है, अननोन पैरामीटर्स होते हैं। तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस है, रेंडम सैंपल है तो लाजमी बात है उसमें ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो हम इसे इस तरह लिखते हैं एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन। तो ये रेंडम सैंपल है। An estimator of a parameter is the function of the random sample. जो estimator होता है parameter का वो function होता है random sample का, and any function of the random sample is also a random variable. जो estimator होता है parameter का, for example theta का कोई ले लें, x bar ले लें, तो वो क्या होता है, function of the random sample, लाजमी बात है वो function होता है सैंपल वैल्यूज का। और एनी फंक्शन ऑफ द रैंडम सैंपल इज ऑल्सो रैंडम वेरिएबल। तो ये भी ठीक है कि रैंडम सैंपल का यानी रैंडम वैल्यूज का या ऑब्जर्वेशंस का जो फंक्शन होता है वो भी रैंडम वेरिएबल होता है। वी कॉल द रूल और द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग और द मेथड ऑफ एस्टिमेशन एन एस्टिमेटर। जो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो रूल यानी मेथड जो है जिसे हम थीटा यानी पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, एस्टिमेटर। और जो उसकी वैल्यू होती है, एंड द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर फॉर ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स, तो उसे क्या कहते हैं, एस्टिमेटर कहते हैं। तो एस्टिमेटर ये एक रूल होता है, क्या होता है, रूल होता है, और ये फंक्शन होता है किसका, सैंपल वैल्यूज का। ये एक रूल होता है या मेथड होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, थीटा यानी पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। ये एस्टिमेटर और जो एस्टिमेट होता है वो एस्टिमेटर की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसे हम इस तरह लिखते हैं, जिसे हम इस तरह लिखते हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा इस स्टाइल पे लिख लें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वन एक्स टू एक्स एन एन, ठीक है। और प्रॉब्लम इज नॉट ओनली टू फाइंड एन एस्टिमेट बट टू फाइंड एन एस्टिमेटर एंड टू जज इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा जो असल काम है तो वो ये नहीं है कि एस्टिमेटर या एस्टिमेट फाइंड आउट करना है। तो असल में हमारा काम एस्टिमेट फाइंड करना होता है, जो एस्टिमेट है वो फाइंड करना हमारा असल मसला नहीं है। जो तो असल मसला
हमारा क्या है? असल मसला यह है, सिंस देयर कैन बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस आर एस्टिमेटर्स ऑफ द गिवन पैरामीटर, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस या नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स, यानी हमारे पास कई एस्टिमेटर्स आ जाते हैं। तो असल मसला क्या है उसमें से, टू डिटरमिन विच वन इज द बेस्ट एमंग ऑल इन द सेंस दैट इट्स सैटिस्फाइज सर्टन क्राइटेरिया। जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हमारे पास T1, T2 अप टू TN, ये क्या आ गए, एस्टिमेटर्स आ गए। तो यहाँ पे असल प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि इनमें से कौन सा एस्टिमेटर बेस्ट है। तो बेस्ट एस्टिमेटर का हमें किस तरह पता चलेगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एस्टिमेटर, गुड पॉइंट एस्टिमेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं प्रॉपर्टीज। चलो यहां पे तो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर क्या है, अनबायस्डनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी एटसेट्रा। तो ये इसके जरिए हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स हैं इनमें से कौन सा बेस्ट है। तो सिंपल बात है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर टू एस्टिमेटर्स है, T1 एंड T2। तो स्टूडेंट के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि इसमें से कितनी प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई करें, जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पर ये कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, लेट सपोज ये 3 सेटिस्फाई कर रहा है, ये 2 कर रहा है, तो विच वन इज द बेस्ट, T1 इज द बेस्ट, जो ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। तो ये वैसी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज को एस्टिमेटर सेटिस्फाई करेगा वो बेस्ट होगा, क्या होगा, बेस्ट होगा। तो इनके लिए आगे आप देख लेंगे, इनके लिए भी प्रोसेस है जो हम बेस्ट एस्टिमेटर फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ब्लू भी कहते हैं, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो इसी तरह हम नेक्स्ट वो आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन ये जहन में याद ये बिटा लें कि बेस्ट एस्टिमेटर कौन सा होगा जो इनमें से क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और बेस्ट एस्टिमेटर हम आगे भी वो फाइंड करते जाएंगे। अच्छा, ये भी जहन में याद रख लें, जो हमारे पास क्लासिकल एस्टिमेशन है उनमें एन जो है वो फिक्स होता है, और जबकि सिक्वेंशियल जो है उसमें एन इंक्रीज होता है, तब तक इंक्रीज होता है जब तक हम डिसीजन पे पहुंच नहीं जाते। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह की अच्छी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखें।